हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। इन्हें लेकर हलचल मची है मुंबई इंडियंस के साथ इनके जुड़ाव और अलगाव को लेकर। ऐसी खबर है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को आईपीएल 2025 से पहले रिलीज कर सकती है। मुंबई इंडियंस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि मुंबई फ्रेंचाइजी आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले हार्दिक पंड्या से किनारा कर सकती है, मतलब उन्हें रिलीज कर सकती है। हालांकि इस खबर में कितना दम है फिलहाल इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। हार्दिक के रिलीज करने की खबर के साथ ही चर्चा नए कप्तान को लेकर भी तेज है, जिसे लेकर सूर्य कुमार यादव का नाम चल रहा है। तो क्या सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का साथ अब नहीं छोड़ेंगे? मुंबई फ्रेंचाइजी अगर सूर्या को आईपीएल 2025 के लिए अपना कप्तान बनाती है तो फिर उनके इस टीम का साथ छोड़कर जाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। दरअसल पहले ऐसे कयास थे कि सूर्या मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स का दाम थाम सकते हैं, मतलब अगले सीजन में उसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने को लेकर चल रही खबर ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में ही गुजरात टाइटंस को लेकर रोहित शर्मा की जगह अपनी टीम का कप्तान बनाया था। मुंबई इंडियंस के इस फैसले के बाद कई सारे विवाद भी खड़े हो गए थे, लेकिन अब जिस खिलाड़ी को लेकर विवादों का सामना किया मुंबई फ्रेंचाइजी उसे ही रिलीज करने की खबर है। सोशल मीडिया पर अचानक से फैली हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस से रिलीज करने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस से रिलीज किए जाने का मतलब है कि टीम के सामने कप्तानी भी अगले सीजन में एक बड़ा सवाल होगा। सोशल मीडिया पर नए कप्तान को लेकर सूर्य कुमार यादव का नाम चल रहा है, मतलब फ्रेंचाइजी फिर से रोहित को कप्तानी सौंपने के मूड में नहीं है। ये कयास अगर सच साबित होते हैं तो फिर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ने की एक और ठोस वजह मिल जाएगी। वैसे जैसे कि खबर चल रही है कि सूर्या अगर हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर रिप्लेस करते हैं तो ये दूसरी बार होगा जब वो ऐसा करते दिखेंगे। इससे पहले सूर्या हार्दिक से टीम इंडिया की T20 कप्तानी भी ले चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इतना ही नहीं, मैदान पर लिए सूर्या के कुछ हैरतअंगेज लेकिन सॉलिड फैसलों ने फैंस को चौंकाया भी। हो सकता है कि वही सब देखने के बाद मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को रिलीज करने और सूर्या को कप्तान बनाने का मन बना लिया होगा। हालांकि अभी ये सारी बातें महज कयास हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से चल रही हैं, इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पर सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर आई वहाँ पर बवाल मच गया। एक एक्स हैंडल है सेल्फलेस रोहित करके, जो शायद रोहित शर्मा के फैन दिखते हैं, उन्होंने लिखा है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, हार्दिक पंड्या इज सेट टू बी रिलीज्ड फ्रॉम मुंबई इंडियंस, सूर्य कुमार यादव टू बी अनाउंस्ड एज न्यू कैप्टन। अब इन्होंने सोर्स का हवाला नहीं दिया, यानी कि हो सकता है कि ये खबर सिर्फ एक फेक खबर हो और अफवाह हो और सिर्फ ये सोशल मीडिया पर आपका अटेंशन पाने के लिए हो। अब देखना होगा कि इन खबरों में क्या सच्चाई है और क्या मुंबई इंडियंस की तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी होता है या नहीं।